नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश अशासकीय स्कूल संचालक संघ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संकुल संचालन में आ रही असुविधाओं को दूर करने हेतु शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा नित नए लगातार लाए जा रहे प्रयोगों से शिक्षा संचालकों का मनोबल क्षीण हो रहा है एवं मान्यता के अभाव में RTE के प्रवेश की प्रक्रिया भी निश्चित रूप से प्रभावित होने की संभावना है एवं अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष RK पांडे ने बताया कि जिसमें मुख्य रूप से FM शिक्षा मित्र RTE एवं मान्यता से संबंधित विसंगतियों को दूर करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया गया। तत्पश्चात मंत्री जी ने सभी समस्याओं के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार किया एवं समस्याओं के निराकरण के लिए उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से सभी प्रमुख विद्यालयों के संचालक गण, जिसमें मुख्य रूप से उपाध्याय SK शुक्ला, संजय गुप्ता, RK सिंह बघेल, KK त्रिपाठी, RD मंडलोई, सूर्यकांत गुप्ता, संदीप अग्निहोत्री एवं समस्त जिलों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ये आज की कहानी नहीं है, पिछले 8-10 सालों से हम स्कूल संचालकों के बीच में कई तरह की विसंगतियां और तकनीकी रूप से कुछ इस तरह के नियम कानून लादे जा रहे हैं, जिनसे हम सभी स्कूल संचालक गणों के मन में अजीब सा विषाद पैदा हो गया है और हमें स्कूल संचालन में बहुत सारी कठिनाइयां, व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। इनको लेके हमने मध्य प्रदेश के हमारे सभी जो संगठन के प्रतिनिधिगण हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया और उन चीज़ों को लेके हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया, उनसे सौजन्य भेंट की है और उन्होंने यथासंभव माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट हुई है और उन सभी ने हम सभी की समस्याओं को सकारात्मक रूप से और शीघ्र सुलझाने का आश्वासन भी दिया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।